नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। एक दिन अकाउंट में सिर्फ 18 रुपए बचे थे। राजकुमार राव ने शेयर किया संघर्ष का किस्सा। बोले 70 किलोमीटर रोज अप डाउन करता था। आम स्ट्रगलर्स की तरह राजकुमार राव को भी फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने से पहले स्ट्रगल करना पड़ा था। एक वक्त ऐसा था कि उनके अकाउंट में सिर्फ 18 रुपए बचे थे। मुंबई जैसे शहर में मात्र इतने से पैसे में गुजारा करना हद से ज्यादा मुश्किल था। ऐसे में वे पार्ले जी खाकर और फ्रूटी पीकर गुजारा करते थे। वहीं राजकुमार हर रोज एक्टिंग स्कूल 70 किलोमीटर साइकिल से आते जाते थे। ये सारी बातें उन्होंने खुद हालिया इंटरव्यू में कही हैं। आज राजकुमार की फिल्म श्रीकांत सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म की कहानी दृष्टि बाधित इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत बोला की लाइफ पर बेस्ड है। राजकुमार ने उन्हीं का किरदार निभाया है। उनके साथ एक्ट्रेस ज्योतिका ने भी काम किया है। रणवीर अल्लाहबादिया को दिए इंटरव्यू में राजकुमार ने शुरुआती संघर्ष के बारे में बात की। उन्होंने कहा वो वक्त सबसे मुश्किल था, जब आर्थिक तंगी थी और काम भी नहीं मिल रहा था। इस वक्त माँ ने बहुत सपोर्ट किया। जब मेरे पास पैसे खत्म हो जाते थे तब वही इंतजाम करके भेजती थी। एक बार मेरे खाते में सिर्फ 18 रुपए बचे थे और वो भी मुंबई जैसे शहर में। इस कारण मैं दोपहर में खाना नहीं खा सकता था, तब सिर्फ पार्ले जी खाकर और फ्रूटी पीकर रहना पड़ा। राजकुमार बोले FTII के दोस्तों ने भी मदद की। राजकुमार ने आगे बताया कि इस बुरे वक्त में FTII के दोस्तों ने भी मदद की थी। उन्होंने कहा जब पैसे खत्म हो गए थे तब मैं सोच रहा था कि आगे क्या करूँगा। मुझे याद है मुंबई के FTII में एक समिति थी, उससे बहुत सारे सीनियर और जूनियर जुड़े हुए थे। उस वक्त मैंने भी ऐसा ही किया था, 70 किलोमीटर अप डाउन करके एक्टिंग स्कूल जाता था। उन्होंने बताया मैंने स्कूल के बाद एक्टर बनने की तैयारी शुरू कर दी थी। स्कूल के बाद मैंने स्कूल में श्री राम सेंटर में एडमिशन ले लिया था, जो कि एक एक्टिंग स्कूल है। मैं उस वक्त 18 साल का था। वहीं मैंने आत्माराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।